हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू सेशन ऑफ स्मिता क्लासेस। टुडे वी विल बी डीलिंग विद द थर्ड चैप्टर ऑफ आवर सोशल एनवायरनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4 एसएसटी बुक। आवर सोशल एनवायरनमेंट ऑफ स्टैंडर्ड 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। नेम ऑफ द चैप्टर इज द नॉर्दर्न माउंटेन्स। द नॉर्दर्न माउंटेन्स विच इंक्लूड द हिमालयस स्ट्रेच अक्रॉस द नॉर्दर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। द हिमालयस आर द हाइएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। They spread from Jammu and Kashmir in the west to Arunachal Pradesh in the east. They form a natural boundary between India and China. हम लोग का जो कंट्री है उसके जो ऊपर सबसे ऊपर नॉर्दर्न पार्ट में जो है हिमालय पहाड़ों का रेंजेस है, बहुत सारे पहाड़ लाइन में है, एक लाइन फिर उसके नीचे और एक लाइन है पहाड़ों का, फिर उसके नीचे और एक लाइन है, ऐसे तीन चार तीन मेन लाइन्स है, रेंजेस जिसको रेंज ऑफ माउंटेन्स है उसको हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन्स कहते हैं। उसी में नॉर्दर्न माउंटेन्स में कुछ नॉर्दर्न माउंटेन्स तो उधर भी है, दूसरे कंट्री में भी है, तिब्बत में है, और बाकी जो हमारे इंडिया के पास है उसको हम लोग हिमालयस कहते हैं। वो हमारे कंट्री का क्या नॉर्दर्न बाउंड्री जो है हमारे कंट्री का, ये जो उत्तर के साइड का नॉर्थ की तरफ का जो बाउंड्री है हमारे कंट्री का, उसी बाउंड्री पे वो पूरा हिमालयस बना हुआ है, हिमालय माउंटेन है। ठीक है, हिमालयस में जितने भी पहाड़ है उनमें से कुछ कुछ पहाड़ तो ये हिमालयन माउंटेन्स जो है वो हाईएस्ट माउंटेन्स इन द वर्ल्ड है। पूरे दुनिया में सबसे लंबे लंबे माउंटेन्स, सबसे ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हिमालयस में ही है। अगर हमारे कंट्री के सबसे नॉर्थ में हम जाएंगे कंट्री के, देखिए ईस्ट साइड में सबसे ईस्टर्न स्टेट कौन सा है हमारा, तो अरुणाचल प्रदेश है। हाँ, और अगर नॉर्थ वेस्ट में जाएंगे, पूरा नॉर्थ में ऊपर जाएंगे और थोड़ा वेस्ट की तरफ करेंगे तो वहां पे जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये जो हिमालयस है वो जम्मू एंड कश्मीर वेस्ट की तरफ से होते 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 ईस्ट की तरफ हमारे अरुणाचल प्रदेश तक आता है। इस तरह क्या कर रहा है वो, इंडिया और चाइना के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बना रहा है। हम लोग को सीमेंट पत्थर लेके बाउंड्री नहीं बनाना पड़ रहा, वो नेचुरल बाउंड्री है इंडिया और चाइना के बीच में, पहाड़ी बाउंड्री बना दे रहे हैं। अब है कि किन किन स्टेट से वो पास कर रहा है। द हिमालयन रेंजेस पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड हिल रीजन्स ऑफ आसाम एंड वेस्ट बंगाल। द हिमालयस कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 पैरेलल रेंजेस विथ लार्ज वैलीज, द ग्रेट हिमालयस और हिमाद्री, द लेसर हिमालयस और हिमाचल, एंड द लोअर हिमालयस और शिवालिक। द माउंटेन्स डिक्रीज इन हाइट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कौन कौन से स्टेट और यूनियन टेरिटरीज से ये सब पास हो रहा है, उसमें क्या क्या आ रहा है, जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, हाँ, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा और आसाम के कुछ कुछ हिली एरिया जहाँ पे छोटे छोटे पहाड़ है, और इसी तरह वेस्ट बंगाल के कुछ कुछ छोटे छोटे जहाँ पे पहाड़ है वो सब एरिया को ये हिमालयन रेंजेस कवर करता है। हिमालयन रेंजेस मतलब इसके भीतर बहुत सारे पहाड़ हैं। अब जो हिमालयन रेंज है उसको 3 पैरेलल रेंजेस में हम डिवाइड कर सकते हैं, और जिस और उसके साथ साथ उसकी बड़ी बड़ी घाटियां भी है, लार्ज वैलीज है। पैरेलल क्या होता है, मान लीजिए हम एक स्ट्रेट लाइन बनाए, उसके नीचे और एक स्ट्रेट लाइन बनाए, क्या ये दो लाइन कभी मिलेंगे, कभी नहीं मिलेंगे। हम चाहे ये लाइंस को आगे बढ़ाएं या पीछे बढ़ाएं, ये दो लाइन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, तो ऐसे को कहते हैं क्या, पैरेलल कहते हैं। तो हिमालयस में भी 3 पैरेलल रेंज है, एक के नीचे एक के नीचे एक है, बहुत सारे पहाड़ एक लाइन में है, उसके नीचे बहुत सारे पहाड़ उसके नीचे लाइन में है, उससे भी नीचे और एक लाइन में बहुत सारे पहाड़ है। तो 3 पैरेलल रेंजेस है। जो सबसे ऊपर जो रेंज है उसको ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री कहते हैं। हिम का मतलब क्या होता है, बर्फ होता है ना, तो ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री है। उसके नीचे वाला है लेसर हिमालयस या हिमाचल, और जो सबसे नीचे वाला है वो है लोअर हिमालयस या शिवालिक। अब है माउंटेन्स का हाइट कैसा है, जैसे जम्मू कश्मीर की तरफ से जैसे जैसे माउंटेन आ रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की तरफ, तो जम्मू कश्मीर की तरफ के माउंटेन्स का हाइट ऊंचा ऊंचा है ना, वेस्ट की तरफ माउंटेन्स बहुत ऊंचा ऊंचा है, और जैसे जैसे ईस्ट की तरफ आते जाएंगे माउंटेन्स का हाइट कम होते जा रहा है। अब सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्रेट हिमालयस के बारे में, हिमाद्री। द हिमाद्री इज द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज, इट्स एवरेज हाइट इज ओवर 6000 मीटर्स अबव द सी लेवल। इट कंटेन्स द हाईएस्ट पीक्स सच एज माउंट केटू, कंचनजंगा एंड अन्नपूर्णा। द माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। इन सम प्लेसेस ह्यूज मासेस ऑफ आइस कॉल्ड ग्लेशियर्स आर फाउंड।
These glaciers start moving down the slopes to warmer regions. The snow melts and gives rise to many big rivers such as the Ganga, Yamuna, Satluj, Indus and Brahmaputra. These rivers then flow down to the plains. Many of the tributaries also start from the Himadri. What is a tributary? A small stream or river which enters and increases the volume of the receiving river. Okay. अब तीन पैरेलल रेंजेस है ना, एक के नीचे एक पहाड़ों की श्रृंखला है. तो जो सबसे ऊपर का रेंज है उसका नाम क्या है? हिमाद्री है, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, मतलब इंडिया के सबसे नॉर्दर्न टॉप मोस्ट पॉइंट पे है हिमाद्री रेंजेस है ना. उसका हाइट 6000 मीटर अबव सी लेवल है. अगर हम समुद्र के सरफेस से ना, जहां पे पानी होता है समुद्र का, वहां के सरफेस से हम अगर मेजर करेंगे हाइट, तो 6000 मीटर की ऊंचाई पे है वो समुद्र के लेवल से. ठीक है, उसमें वर्ल्ड के कुछ कुछ बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर सब है. हाँ, पहाड़ों के शिखर पीक्स है ऊंचे ऊंचे. कौन कौन से? माउंट केटू है, कंचनजंगा है, अन्नपूर्णा है. और ये जो हिमाद्री के पहाड़ है वो पूरे साल स्नो से भरे रहते हैं. हाँ, पूरे साल उसमें स्नोफॉल होता है और वो स्नो से कवर्ड रहते हैं, जिसके कारण पूरा बहुत ही कोल्ड रहता है पूरे साल. वहां पे ठंड रहती है और वहां पे बहुत बड़े बड़े बर्फ के चट्टान भी मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? ग्लेशियर कहते हैं. ग्लेशियर का ये टेंडेंसी होता है कि धीरे धीरे वो हल्का हल्का मेल्ट होता है और धीरे धीरे जो है वो स्लोप करते जाता है. स्लोप करता है गर्म गर्म एरिया की तरफ, स्लिप करते करते गर्मी गर्म एरिया की तरफ वो आने की कोशिश करता है, वार्मर रीजन्स की तरफ. जैसे जैसे ग्लेशियर थोड़ा मेल्ट करता है या पहाड़ों का स्नो मेल्ट करता है, तो बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियां निकलती है हिमाद्री से. उन जैसे कि एग्जांपल क्या, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सतलज, इंदस, हमारे कंट्री की ये सारी बड़ी बड़ी नदियां वही हिमाद्री से निकलती हैं. फिर ये नदियां ऊपर पहाड़ों से निकल निकल के आके हिमालयन रेंजेस के नीचे क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स है हमारे कंट्री में, वहां पे बहने लगती है, प्लेन एरिया में बहने लगती है. मेनी ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द हिमाद्री. देखिए, कुछ कुछ ना छोटी छोटी नदी या स्ट्रीम होते हैं, हा? झरने जैसे छोटे छोटे होते हैं, वो इधर उधर से बह बह के आते हैं, फिर मेन नदी में आके जुड़ जाते हैं, जिसके कारण मेन नदी का पानी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है ना, मेन नदी का पानी का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उनको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं. तो बोल रहे कि हिमाद्री से बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज भी निकलते हैं. द लेसर हिमालयस हिमाचल, द हिमाचल रेंज इज फाउंड बिटवीन द हिमाद्री एंड द शिवालिक. इन दिस रेंज द माउंटेन्स आर नॉट एज हाई एज द हिमाद्री. Though the winters see rainfall, snowfall, the summers are cool and pleasant. It has some beautiful valleys, such as the valleys of Kashmir, Kullu and Kangra. Many beautiful hill stations, such as Shimla, Mussoorie, Nainital, Almora and Darjeeling are located in this range. Because of the pleasant climate, people love to visit these hill stations in summers. Some mountain passes, such as the Rohtang Pass of Himachal, are found in this range. This range has thick forests of pine, oak, deodar and fir trees. Valley. A low area between hills or mountains, typically with a river or stream flowing through it. क्या है कि पहला जो माउंटेन रेंज था हिमालयस का वो क्या है, क्या कहलाया? ग्रेट हिमालयस या हिमाद्री. अब उसके नीचे जो नेक्स्ट पैरेलल रेंज है उसका नाम है लेसर हिमालयस या हिमाचल. हाँ, हम लोग के कंट्री में एक स्टेट है ना, हिमाचल प्रदेश, यानी कि वो हिमाचल प्रदेश का जो एरिया है वो लेसर हिमालयस के एरिया में आता है. ठीक है, अब लेसर हिमालय के ऊपर क्या है? हिमाद्री है और नीचे क्या है? शिवालिक है. और बीच में ये क्या है? लेसर हिमालय या हिमाचल है. इस रेंज में पहाड़ हैं पर इतने ऊंचे ऊंचे नहीं है जितने कि हिमाद्री में थे. ठंड के समय यहाँ स्नोफॉल होता है पर समर्स के समय थोड़ी मतलब स्नोफॉल तो नहीं होता पर समर्स भी अच्छा हल्का हल्का ठंडक लगता है और अच्छा लगता है, आराम लगता है. और ये हिमाचल में कुछ कुछ बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियां हैं, जैसे कश्मीर की घाटी है, कुल्लू की घाटी है, कांगरा की घाटी है. घाटी क्या होती है? वैली. घाटी मतलब वैली होता है. वो क्या होता है? दो पहाड़ या दो माउंटेन के बीच में, दो पहाड़ या दो छोटे छोटे हिल्स के बीच में जो एरिया होता है, जो कि बहुत नीचा एरिया होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता, लो एरिया होता है, नीचे एरिया होता है, वहां पे कोई छोटी सी नदी या झरना बहती रहती है, वहां बहुत ग्रीनरी रहता है, उसी को वैली कहते हैं. तो वो बहुत सुंदर लगता है दिखने में. ठीक है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तो लोग नहीं जाएंगे, वो बीच बीच में वैली वाले एरिया में रहते हैं. तो इसी तरह कश्मीर, कुल्लू और कांगड़ा की बहुत ब्यूटीफुल वैलीज है वहां हिमाचल में. और वहीं पे बहुत सारे हिल स्टेशन भी है, ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है जहाँ पे लोग
जाके टूरिस्ट जो है गर्मी के दिनों में घूमने जाते हैं क्योंकि ठंडक चाहते हैं, वह ठंडा एटमोसफेयर क्लाइमेट है तो उनको अच्छा लगता है। कुछ कुछ हिल स्टेशन का नाम क्या है, शिमला है, मसूरी है, नैनीताल, अल्मोरा और दार्जिलिंग है, वो सब ये हिमाचल रेंज में ही आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे कई बार जो है जब जाएंगे टूरिस्ट अगर उस समय स्नोफॉल हो रहा होता है तो बहुत सुंदर लगता है, वो लोग वो सब देखने जाते हैं। और गर्मियों के दिनों में वहां बहुत प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता है, बहुत बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, तो लोग गर्मियों के दिनों में घूमने जाते हैं। अब कुछ कुछ माउंटेन पासेस भी है, मतलब बर्फ है माउंटेन्स में, उस बीच बीच में दो पहाड़ों के बीच बीच में एक एक रास्ता बनाया गया, जिस रास्ते में कभी कभी ठंड के समय पूरा बर्फ गिर के वो रास्ता बंद भी हो जाता है। हा? दो पहाड़ों के बीच बीच में ह्यूमन बींग्स ने रास्ता बनाया या नेचुरली रास्ता बना हुआ है ताकि गाड़ियों से भी हम जा सके। ऐसी एक रास्ता क्या है, रोहतांग पास है, हिमालय का, हिमाचल का जो है रोहतांग पास इस एरिया में पाया जाता है, लेसर हिमालयस में। रोहतांग पास में क्या है, विंटर के समय पूरा स्नोफॉल हो जाएगा, वो रास्ता पूरा ब्लॉक हो जाता है, फिर समर के सीजन में वो स्नो थोड़ा थोड़ा मेल्ट होकर वो रास्ता बनने लगता है, फिर भी थोड़ा स्नो रहता है तो देखने में सुंदर लगता है। अब ये लेसर हिमालयस में क्या है, बहुत सारे पहाड़ है, घने जंगल है। किस किस तरह के पेड़ों के, जैसे कि माउंटेन्स में पेड़ होते हैं पाइन के, ओक के, देवदार के और फिर ट्रीज के। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड रेंज, पैरेलल रेंज, जो कि है लोअर हिमालयस एंड शिवालिक। द शिवालिक इज द साउदर्न मोस्ट एंड लोएस्ट रेंज ऑफ द हिमालयस। द एरिया एट द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक रेंज इज कॉल्ड द तराई रीजन। दिस एरिया हैज थिक फॉरेस्ट एंड मेनी वेराइटीज ऑफ वाइल्ड लाइफ। क्लाइमेट इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। द रेनफॉल इज हैवी। शाल एंड शीशम आर द टू मेन ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट। Many fruit trees such as apples, pears and apricots grow here well. Steps are cut out in the slopes of hills for farming. This is known as terrace farming. ठीक है, क्या बोल रहे हैं, जो लोअर हिमालय है, जो सबसे नीचे का रेंजेस है, जिसको शिवालिक बोलते हैं। देखिए जो सबसे ऊपर है उसको नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस बोलेंगे और जो उसके नीचे नीचे आएगा उसको साउदर्न रेंजेस बोलेंगे। तो ये साउदर्न मोस्ट रेंज है और ये लोएस्ट रेंज है, हिमालय का सबसे नीचे का रेंज है। अब ये जो शिवालिक के पहाड़ है उनके जो पहाड़ों का जो पैर है, हाँ मतलब पहाड़ों का जो नीचे का एरिया है, हाँ उसको तराई रीजन बोलते हैं, तराई एरिया बोलते हैं। वहां पे घने जंगल है और बहुत तरह तरह के जंगली जानवर भी वहां पे रहते हैं। वहां का क्लाइमेट बहुत अच्छा रहता है फसलें उगाने के लिए, वहां पे रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होती है। शाल और शीशम दो तरह के ट्रीज वहां पे ज्यादा पाए जाते हैं। फ्रूट्स भी बहुत अच्छे से वहां पे उगते हैं क्योंकि बहुत गर्मी भी नहीं रहती है, जैसे कि एप्पल, पियर मतलब नाशपाती और एप्रिकॉट जो है वो सब यहाँ पे उगते हैं। वहां पे छोटे छोटे पहाड़ हैं, हिल्स है, हिल्स में क्या है सीढ़ियों जैसे गोल गोल उसको काट काट के सीढ़ी सीढ़ी जैसा बनाया जाता है, हाँ गोल गोल सीढ़ियां पूरे हिल के चारों तरफ, और उसमें वो लोग खेती करते हैं, उसमें पानी अटक जाता है, पानी बहता नहीं, वो लोग खेती करते हैं, उसको कहते हैं टेरेस फार्मिंग। चूंकि पहाड़ के ऊपर हो रहा है, हिल्स के ऊपर हो रहा है, इसलिए टेरेस फार्मिंग कहते हैं। मोस्ट ऑफ द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स सच एज राइस, मेज, शुगर केन एंड पोटैटोस। कैटल रियरिंग इज ऑल्सो वेरी कॉमन। इट इज इन दीज लोअर रेंजेस ऑफ द हिमालयस दैट पीपल आर एबल टू लिव। मेनी ब्रॉड वैलीज सेपरेट द शिवालिक्स फ्रॉम द हिमाचल। दीज वैलीज आर कॉल्ड डोन्स। देहरादून इन उत्तराखंड इज द बेस्ट नोन अमंग देम। In the northeast, the hills are not very high. They include Garo, Khasi, Jaintia, Naga, Lusai and Mizo hills. These hills are covered with thick forest. तो ये शिवालिक का ज्यादातर लैंड जो है वो फसलें उगाने के लिए यूज होता है। कैसे फसल, राइस है, हाँ चावल, मेज, मक्का, शुगर केन, ईख और पोटैटोज आलू के लिए। कैटल रियरिंग मतलब पशुपालन, जैसे गाय और भैंस, काऊ, बफेलो, शीप, ये सबको वो लोग पालते हैं वहां पे। और ये जो नीचे नीचे का रेंजेस है हिमालयस का, शिवालिक का रेंजेस जो है वहीं पे लोग रह पाते हैं। हिमाद्री में तो रह नहीं पाएंगे, पूरा बर्फ से भरा रहता है। हिमाचल में भी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, वहां भी बहुत ठंड होती है, वहां भी ज्यादा नहीं रह पाते हैं। कोशिश करते हैं रहने का पर बहुत ज्यादा नहीं रह पाते हैं, पर ये जो नीचे का एरिया है यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग रह पाते हैं। और इसी तरह शिवालिक और हिमाचल के बीच में बहुत सारी वैलीज है, घाटियां हैं। शिवालिक के जो छोटे छोटे पहाड़ है, हिमाचल के थोड़े बड़े बड़े पहाड़ है, उन दोनों के बीच में बहुत सारी चौड़ी चौड़ी घाटियां हैं। उन घाटियों को, वैलीज को कहते हैं डोन्स। ऐसा एक एग्जांपल क्या दिया, उत्तराखंड वहां पे एक स्टेट है ना इंडिया का,
वहां पे एक जगह है देहरादून, तो वो भी एक ऐसा ही वैली है। ठीक है, अब नॉर्थ ईस्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल हमारे अरुणाचल प्रदेश सिक्किम में सबके तरफ आ जाएंगे, तो वहां के पहाड़ उतने ऊंचे ऊंचे नहीं है, वहां हिल्स थोड़े कम हाइट के हैं। वहां के हिल्स का कुछ एग्जाम्पल दिया है हिल्स के नाम का, गारो है, खासी, जैंतिया, नागा, लुसाई और मिजो हिल्स है, और ये जो नॉर्थ ईस्ट के हिल्स है वो घने जंगलों से भरे पड़े हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द हिमालयाज, द हिमालयाज गार्ड आवर बॉर्डर्स लाइक अ स्ट्रॉन्ग फोर्ट्रेस इन नॉर्थ इंडिया, दे प्रिवेंट द कोल्ड विंटर विंड्स ऑफ नॉर्दर्न एशिया फ्रॉम एंटरिंग इंडिया, दे ऑल्सो प्रिवेंट द रेन बियरिंग विंड्स फ्रॉम ब्लोइंग आउट ऑफ इंडिया एंड दस हेल्प कॉज हैवी रेनफॉल इन द कंट्री, द मेल्टिंग स्नो ऑफ द हिमालयन ग्लेशियर्स प्रोवाइड वाटर टू द रिवर्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द हिमालयस थ्रू आउट द ईयर, द हिमालयन फॉरेस्ट प्रोवाइड अस विद टिम्बर, मेडिसिनल हर्ब्स, रेजिन, हनी एंड मेनी अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, द हिमालयस आर होम्स फॉर मेनी एनिमल्स सच एज स्नो लेपर्ड, टाइगर, रेनोसरस, वाइल्ड याक एंड सो ऑन, द पास्चर्स ऑफ द हिमालयस आर गुड प्लेसेस फॉर रियरिंग कैटल। अब हिमालय का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है हमारे नॉर्थ इंडिया में, वो हमारे जो बॉर्डर है इंडिया चाइना सबके बीच का जो बॉर्डर है उसमें वो गार्ड के जैसा काम करते हैं। हाँ, वो बहुत ही मजबूत किले के जैसा काम करते हैं, उधर से दुश्मन को इंडिया में घुसने में बहुत मुश्किल होती है। इसी तरह एशिया का जो नॉर्दर्न पार्ट है, हम लोग एशिया के किस पार्ट में रहते हैं, साउदर्न पार्ट में रहते हैं, एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट, तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ एशिया कॉन्टिनेंट जो है उधर से बहुत ही ठंडी हवाएं आती, कोल्ड विंटर विंड्स आती है ठंड के समय में, तो उनको इंडिया में ये अंदर आने नहीं देता है, ये पहाड़ उनको रोक देते हैं। इसी तरह जो बारिश से भरी हुई हवाएं इंडिया में आती है, हाँ, उनको ये इंडिया से निकल के बाहर जाने नहीं देता है, उधर एशिया की तरफ, नॉर्दर्न एशिया की तरफ जाने नहीं देता है, इसीलिए इंडिया में हैवी रेनफॉल होता है और बहुत अच्छे से एग्रीकल्चर लोग कर पाते हैं। इसी तरह हिमालयन ग्लेशियर जो है, हिमालय की पहाड़ियों में जो बड़े बड़े बर्फ के चट्टान है वो मेल्ट होते हैं, और इसके कारण हमारे देश की जितनी भी नदियां हैं उस सब में पानी हमेशा भरा रहता है पूरे साल। हिमालयन फॉरेस्ट, हाँ, हिमालय में जो जंगल सब है शिवालिक एरिया में, कि हिमाचल एरिया में जो जंगल है उनसे हमको टिम्बर मिलता है, मतलब लकड़ियां मिलती हैं फर्नीचर के काम के लिए, कि दातुन बनाने के लिए, अलग अलग काम के लिए, मेडिसिनल हर्ब्स मिलते हैं, औषधि, बहुत सारी दवाइयां मिलती हैं, आयुर्वेदिक दवाइयों के पौधे मिलते हैं, रेजिन, हाँ, एक तरह का पेड़ों से जो एक तरह का गम निकलता है ऑरेंजिश रेड कलर का, वो मिलता है, हनी मिलता है, बहुत सारे फॉरेस्ट के अलग अलग सामान मिलते हैं, जंगलों से मिलते हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहां पे बहुत सारे जंगली जानवरों का घर है हिमालयास, जैसे स्नो लेपर्ड, टाइगर, राइनोसरस, वाइल्ड याक, ये सब वहां रहते हैं। पास्चर्स, पास्चर्स मतलब जानवरों के चारा खाने का जगह, हाँ, जानवरों को हरी हरी घास खाने को बहुत मिलती है, कहाँ पे, ये हिमालयन माउंटेन्स के ऊपर, वहां पे बहुत बड़े बड़े ऐसे ऐसे जगह है, खुले मैदान है जहाँ की जानवर आराम से खा सकेंगे, वहां पे घास पेड़ पौधे खा सकेंगे, तो इसीलिए वहां के लोग बहुत ही पशुओं को पालते हैं। लाइफ इन द माउंटेन्स, मोस्ट पीपल इन द हिल्स आर फार्मर्स, दे ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस, वीट, शुगर केन एंड रियर एनिमल्स, ग्रोइंग फ्रूट ट्रीज, ऑर्चर्ड्स एंड टी कल्टिवेशन आर ऑल्सो देयर मेन ऑक्यूपेशन, मेनी पीपल डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोड्यूस फॉर द लाइवलीहुड, दे ऑल्सो मेक डेडिकेट हैंडीक्राफ्ट, जम्मू एंड कश्मीर इज फेमस फॉर इट्स ब्यूटिफुल कार्पेट्स, पश्मीना शॉल्स एंड पियर मैचे, ड्यूरिंग द समर पीपल अर्न फ्रॉम टूरिज्म, नेचुरल ब्यूटी ऑफ द हिल्स अट्रैक्ट टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्या है कि माउंटेन्स में जीवन कैसा होता है, ज्यादातर वहां पे लोग क्या रहते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो लोग बहुत सारे क्रॉप्स ग्रो करते हैं जैसे वीट, राइस, शुगर केन, और एनिमल्स रियर करते हैं, मतलब पशुओं को पालते हैं, और वहां पे फ्रूट ट्रीज भी वो लोग उगाते हैं, फ्रूट ट्रीज का अपना पूरा गार्डन होता है जिसको कि ऑर्चर्ड कहते हैं, हाँ, वहां पे फ्रूट के ट्रीज बहुत सारे उगाते हैं, और टी कल्टिवेशन, हाँ, ये हिली एरिया सब में पहाड़ों में जो है चाय के पौधे बहुत लगाए जाते हैं, बड़े बड़े फार्म बनाए जाते हैं, चाय के पौधों के प्लांटेशन किया जाता है, ये वहां का मेन ऑक्यूपेशन है, वहां का मेन काम वहां के लोगों का यही सब है, हाँ, फार्मिंग करना, फ्रूट ट्रीज लगाना, ऑर्चर्ड्स लगाना और टी कल्टिवेशन। बहुत सारे पीपल लोग जो है वहां पे फॉरेस्ट से जो प्रोड्यूस मिलता है उस पर डिपेंडेंट रहते हैं अपने जीवन के खर्चे चलाने के लिए, हाँ, जैसे कि फॉरेस्ट से
हनी मिला, हनी लाके उसको बेच के वो लोग अपना घर चला रहे हैं, कि फॉरेस्ट से बहुत सारे फूल मिले, लकड़ियां मिली, उसको बेच के फर्नीचर का काम कर रहे हैं, ऐसे करके। पहाड़ के लोग बहुत अच्छे अच्छे हैंडीक्राफ्ट बनाते हैं, हाँ, हाथ से बने हुए क्राफ्ट्स बहुत सुंदर सुंदर वो लोग बनाते हैं। जैसे कि जम्मू और कश्मीर के लोग, वहाँ के लोग कारपेट बनाते हैं, कालीन बनाते हैं ना, जमीन में बिछाने के लिए कालीन बनाते हैं, पाश्मीना शॉल बनाते हैं, पूरा जो प्योर वूल मिलता है शिप का, वो वाले वूल से वो लोग पाश्मीना, एक तरह का क्वालिटी है एक वूल का, उस क्वालिटी का वो लोग शॉल बनाते हैं। उसी तरह पेपियर मैचे, क्या होता है कि ये जो बैम्बू ट्रीज होता है उसका जो पल्प होता है, हाँ, उसका जो सेमी लिक्विड पार्ट वो लोग निकाल के और उससे पेपर बनाया जाता है, अलग अलग चीज बनाया जाता है। तो ये लोग जो है वही पल्प की मदद से अलग अलग तरह का बहुत बड़ा बड़ा यूटेंसिल टाइप का क्राफ्ट बनाते हैं, जिसको कि पेपियर मैचे बोलते हैं, है ना, वो जो सेमी सॉलिड लिक्विड जैसा जो चीज निकलता है वो बैम्बू ट्रीज से, वो सबसे ये लोग पेपर पल्प से क्राफ्ट बनाते हैं, इसको पेपियर मैचे कहते हैं। समर के समय बहुत सारे लोग ये हिल स्टेशन घूमने जाते हैं, जिसके कारण टूरिस्ट लोग जो जाते हैं उनसे भी बहुत इनकम होता है वहां के लोगों को, क्योंकि हिल्स का बहुत ही नेचुरल ब्यूटी होता है, प्राकृतिक सुंदरता बहुत होती है, वो बहुत सारे टूरिस्ट को, होल वर्ल्ड के टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए जाते हैं। पीपल इन द हिल्स वेयर वूलन क्लोथ थ्रू आउट द ईयर एज द क्लाइमेट इज कूल इन समर एंड वेरी कोल्ड इन विंटर। कश्मीरीज वेयर अ लॉन्ग लूज गाउन कॉल्ड फिरहन। द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश लाइक टू वेयर ब्राइट कलर्ड क्लोथ। एम्ब्रॉयडर्ड कैप्स आर वेरी पॉपुलर अमंग मेन। वुमेन यूज अ स्कार्फ ऑन द हेड। Houses in this region have sloping roofs. This helps to drain the rain water and snow off the rooftops. Life is hard in the hills, but the people are cheerful. In high mountain ranges, regions such as Himadri, it is difficult to travel from one range to another. People go through the passes. पहाड़ के लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर पूरे साल वुलन क्लोथ ही पहने रहते हैं, हाँ, वुलन क्लोथ ही पहनते, क्यों, ठंड के समय तो बहुत ही ज्यादा ठंड रहती है और गर्मी के समय भी थोड़ी ठंड लगती रहती है, मतलब पूरे साल वो लोग वुलन क्लोथ पहनते हैं। कश्मीरी लोग जो है वो एक लंबा सा लूज गाउन कुर्ता टाइप का एक पहनते हैं, जिसको फिरहन बोलते हैं, जेंट्स भी पहनते हैं लेडीज भी पहनते हैं, जो बहुत मोटे कपड़े का बना हुआ रहता है, ठंड को रोकता है। और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं वो लोग को ब्राइट कलर का, हाँ, बहुत ही कलरफुल कपड़े पहनने का उनको अच्छा लगता है। वो लोग वहाँ के जो मेन लोग हैं वो लोग कैप पहनते हैं, इसमें एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई की रहती है, सुंदर सुंदर फूल वूल बने रहते हैं, ऐसे वो लोग कैप्स पहनते हैं, कपड़े के कैप्स बने रहते हैं। और वुमेन क्या पहनती है, वहाँ की वुमेन लोग स्कार्फ पहनती है। और वहाँ के जो है पहाड़ों के जो घर है उनका स्लोपिंग रूफ होता है, ताकि बर्फ स्लोप कर करके नीचे गिर जाए, और बर्फ अगर एक जगह जम जाएगी, भारी हो जाएगा, तो घर का रूफ टूट सकता है, इसलिए स्लोप करते करते बर्फ नीचे गिर जाए, उससे रेन वाटर भी बह जाता है और स्नो भी गिर जाता है। पहाड़ों में जिंदगी मुश्किल होती है, जिंदगी क्यों मुश्किल होती है, कि अक्सर बारिश होती रहती है, स्नोफॉल होता रहता है, और बहुत ही प्लेन लैंड नहीं रहता है, तो बहुत ऊपर नीचे चढ़ना पड़ता है, लोग थक जाते हैं। पहाड़ों की जीवन मुश्किल होता है, पर लोग खुश रहते हैं, पीपल चीयरफुल रहते हैं। जो बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का रेंजेस है, हाई माउंटेन रीजन है, जैसे हिमाद्री जहाँ पूरे साल स्नो रहता है, वहाँ बहुत मुश्किल होता है, कि वहाँ के पहाड़ बहुत ऊंचे ऊंचे, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाना बहुत ही मुश्किल होता है। उसमें लोग कहाँ से जाते हैं, पासेस, वो जो रोड्स बनाया गया है दो दो पहाड़ के बीच बीच में इधर उधर होके जाने के लिए, तो वही पासेस से होके लोग इधर उधर जाते हैं। संस्कृत में हिमालय का मतलब, नाम का मतलब क्या होता है, अगर संस्कृत लैंग्वेज में देखेंगे तो हाउस ऑफ स्नो रहता है। बहुत साले मिलियंस ऑफ इयर्स अगो क्या था, हिमालय जो था वो समुद्र के अंदर था, समुद्र के नीचे वो पहाड़ थे, समुद्र के अंदर वो पहाड़ सब घुसे हुए थे, और जैसे जैसे अर्थ मूव करता गया वो सब समुद्र के नीचे से उठ उठ के ऊपर की तरफ आ गए। पहला आदमी जो था इंडिया का वो था तेंजिंग नॉर्गे, और न्यूजीलैंड का एक आदमी था एडमंड हिलेरी, वो लोग सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे 1953 में। माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड है, सबसे ऊंचा पहाड़ है पूरी दुनिया का, वहां पे तेंजिंग नॉर्गे इंडिया के थे और एडमंड हिलेरी न्यूजीलैंड के थे, ये लोग पहले थे जो उस पहाड़ पे चढ़ पाए। 1984 में पहली इंडियन वुमेन जो उस पहाड़ पे चढ़ पाई है माउंट एवरेस्ट पे, पहली इंडियन वुमेन कौन थी, बछेंद्री पाल थी। अब वो जो शिवालिक के पास एक स्टेट है उत्तराखंड जो है, वहां पे फेमस कॉर्बेट नेशनल पार्क है, हाँ, जहाँ पे जंगली जानवर रहते हैं। इसी तरह आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क है, वहां पे भी
जानवर रखे रहते हैं, ये सब शिवालिक के तराई रीजन के एरिया में आएंगे, ये कॉर्बेट नेशनल पार्क और काजीरंगा नेशनल पार्क। आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है, ये वीडियो आप लोग अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए और इसका बेनिफिट उठाइए। थैंक यू।